अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रॉकिंग रेसिपीज़। और आज हम बना रहे हैं दावत, और दावत का मेन्यू है कुन्ना गोश्त या मटका गोश्त। इसके अलावा है पुलाव बिरयानी, यखनी पुलाव बिरयानी, और मीठे में है फ्रूट ट्रफल, चपली कबाब। चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ मटका गोश्त। इसके लिए मेरे पास मेहरान का ये कुन्ना मटका गोश्त मसाला है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये लहसुन का पानी है, पूरी लहसुन की पोथी लेकर आप उसको छिलकों समेत ही ग्राइंड कर लें और फिर उसको छान लें, और इस तरह से ये लिक्विड में होना चाहिए, चिकन में ना बीफ में, ये मटन में ही सबसे ज़्यादा मज़े का बनता है। अच्छा, हड्डी वाला मेरे पास मटन है, और इसके अलावा मेरे पास कुछ ये नली हैं, नली भी हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाना है। ये मेरे पास आटा है, जो गूंदा हुआ आटा होता है रोटी का, वही सिंपल आटा है, और इसको ये पानी के अंदर डिसॉल्व करके मैंने ये रख लिया है। अच्छा, सबसे पहले मैं प्याज ब्राउन करूंगी, और उसके बाद मैं गोश्त को इतना भूनूंगी कि वो अपना कलर चेंज कर ले। इसके लिए मैंने सिंपल देगची ली है, क्योंकि मिट्टी की हांडी गर्म होने में काफ़ी टाइम लगाती है और भूनने का प्रोसेस बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए टाइम की कमी की वजह से मैंने एक सिंपल देगची में ये प्रोसेस करना है। उसके बाद मैं शिफ्ट कर दूंगी इसको मिट्टी की हांडी में। अच्छा, पुलाव बिरयानी बनाने के लिए यखनी का सामान मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें लिया है मैंने तेज़पत्ता, ज़ीरा, धनिया, काली मिर्च, और ये बड़ी इलायची, थोड़ी सी दो तीन जो है सब्ज़ इलायची ली है, दालचीनी का एक टुकड़ा है, इसके अलावा दो हरी मिर्चें हैं, तीन चार ये साबुत लाल मिर्चें हैं, पूरी साबुत लहसुन की पोती जिसे अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया, धो लिया है, और एक साबुत प्याज है जिसका छिलका उतार लिया है। ये सब एज इट इज़ मैं इसको चिकन के साथ पकने रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसकी यखनी बन जाए। चिकन है मेरे पास 1 किलो। नमक शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टेबल स्पून भर के, ताकि चिकन की बोटियों में अच्छे तरीके से नमक एब्जॉर्ब हो जाए। आधे जग से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी, ताकि यखनी तैयार हो इसकी। अच्छा, जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगेगा, अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट। कम डालेंगे क्योंकि बाकी जो स्पाइस मिक्स है उसमें शामिल है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा, हम इसमें लहसुन का पानी डालकर इसको भूनते जाएंगे। अब हम इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिट्टी की हांडी में, और 1 टीस्पून डाल रही हूँ इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मेरे पास काला ज़ीरा है, शाह ज़ीरा, इसमें से एक चुटकी हम लेकर इस तरह से मस लेंगे और ये डाल दें। अब इसमें डाल रही हूँ कुन्ना मसाला। इस बड़े डब्बे में से 2 पैकेट निकलते हैं, आपने 1 पैकेट का इस्तेमाल करना है। वन टीस्पून डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च। मैं फ्राई कर रही हूँ नली, जो हड्डी बीफ की मेरे पास है, इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और हल्की आंच पर। अभी जो आटा हमने भिगोया था, उसको हम दबा दबा कर इस तरह से इसका वो निकाल लेंगे सारा, जितना भी जूस है आटे के अंदर। बाद इसका जो जितनी भी ग्रेवी थी वो ऊपर आ गई थी, और हमें चलाने में और पकाने में मुश्किल हो रही थी, सो इसलिए मैंने तमाम जो रोगन था ग्रेवी के साथ वो अलग निकाल लिया है।
ये देखें, इसको मैं बाद में शामिल करूँगी जब ये पक पक के थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये वो जूस है जो कि नली को पकाने के बाद निकला है, ये भी हम शामिल कर देंगे। इसी से ही इसका शोरबा टेस्टी बनता है। ये प्रोसेस आपने ज़रूर करना है। और अब इसको मध्यम आँच पर 4 से 5 घंटे पकने दें, जिस तरह नहारी पकती है। नहारी की तरह ही कुंडा गोश्त भी टाइम लेता है पकने में। अब हम इसको छोड़ देंगे और चेक करेंगे 6 घंटे के बाद। इसके किनारों को मैं सील कर दूँगी आटे से। अच्छा जी, ट्रफल बनाने के लिए सबसे पहले मुझे बनाना है कस्टर्ड। और कोशिश कीजिएगा कि वनीला या मैंगो ही लीजिएगा, क्योंकि ये येलो कलर ही अच्छा लगता है। हम कलरफुल फ्रूट्स और जेली और नट्स वगैरह इन सब के साथ डेकोरेट करते हैं, तो हम वनीला कस्टर्ड यूज़ करेंगे। ये मेरे पास डेयरी का फ्रेश मिल्क है, 1 किलो से थोड़ा सा कम है। और इसके साथ मैं अब मिला रही हूँ ऑलपर्स मिल्क। आपकी मर्ज़ी है, या आप डायरेक्ट ऑलपर से ही बनाएं या डेयरी मिल्क से बनाएं फ्रेश मिल्क से। दोनों सूरतों में आपने कस्टर्ड गाढ़ा बनाना है। ये कस्टर्ड गाढ़ा होना चाहिए, क्योंकि जब हम इसकी लेयर लगाएंगे तो ये ख़राब कर देगा अगर ये पतला होगा तो। और इसमें मैं डाल रही हूँ इलायची 2 अदद। इसको अब हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड को मिक्स करने के लिए मैं ठंडा दूध इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि अगर गर्म दूध में आपने ये डायरेक्ट डाला तो लम्प्स बन जाएंगे। अच्छा कस्टर्ड तभी तैयार होता है जब हम उसको अलग से डिज़ोल्व कर लें ठंडे दूध के साथ। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 से 4 चमचे कस्टर्ड के अंदाजे से। तकरीबन आधी प्याली कस्टर्ड मैंने लिया है और अब इसमें डालूँगी ठंडा दूध। चीनी डाल रही हूँ इसमें 1/4 कप से थोड़ी सी कम, और उसके बाद हम टेस्ट कर लेंगे। अगर कम हुई तो और शामिल कर देंगे। थोड़ी देर इसको हल्की आंच पर पकने देंगे, तब ये गाढ़ा होना शुरू होगा। कस्टर्ड गाढ़ा होना शुरू हो गया है और हमें मज़ीद कस्टर्ड की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे जैसे पकता जाएगा गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल लम्प्स नहीं बने। अच्छा जी, कस्टर्ड डालने के बाद 10 मिनट तक हमने इसको हल्की आंच पर पकाया है और ये इस तरह से इतना गाढ़ा हो चुका है। और ठंडा होने के बाद भी ये इतना ही गाढ़ा होगा, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। चूल्हा हम बंद कर देते हैं और उसको कम्प्लीटली ठंडा कर लेते हैं रूम टेम्परेचर पर। बाकी असेंबलिंग हम इसको सर्व करते वक्त करेंगे। अच्छा जी, अब चेक कर लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँचा। ये तकरीबन 5 घंटे पका है और मुझे उम्मीद है कि गोश्त अब मुकम्मल गल चुका होगा। अच्छा, थोड़ा सा इसको गाढ़ा होने की भी ज़रूरत है, ये थोड़ा पतला है, इसीलिए मैंने दूसरे चूल्हे पर तवे पर आटा रोस्ट करने के लिए रख दिया है। जलाना नहीं है, बस खुशबू उड़े तो बंद कर दें। आटा डालकर 5 मिनट इसको पकाना पड़ता है, तब जाकर आपको पता चलता है कि ये कितना और गाढ़ा होगा। अब जो हमने ग्रेवी निकालनी थी इसकी, वो भी हम शामिल कर देंगे इसमें। अच्छा जी, ये अब तैयार हो चुका है। कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। इससे ज़्यादा गाढ़ा करना है तो इससे ज़्यादा गाढ़ा कर लें, लेकिन मैं फ़िलहाल इसको कर रही हूँ बंद, क्योंकि सर्विंग से पहले भी मैं इसको गर्म करूँगी और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्रूट ट्रफल बनाने के लिए कस्टर्ड हमने रेडी कर लिया है, जो कि वनीला कस्टर्ड है। इसके अलावा मुझे चाहिए प्लेन केक, टी केक जिसको कहते हैं। ये है पिस्ता, जिसको मैंने कोर्सली ग्राउंड कर लिया है, मोटा मोटा कूट लिया है। इसके अलावा जाएगी इसमें किशमिश, केले हैं मेरे पास, और पिसा हुआ खोपरा जिससे डेकोरेशन करेंगे। और ये है मेरे पास कैंडी बिस्किट्स, जिसको मैं क्रश कर लूँगी मोटा मोटा चॉपर में डालकर। तो चलते हैं असेंबलिंग की तरफ।
ये टिप मैं आपको बता रही हूँ कि केला जब आप पहले से ही सर्विंग के लिए डाल देते हैं डिश में तो वो काला पड़ जाता है, उस पर अगर थोड़ा सा लेमन जूस डालकर मिक्स कर दें तो अब ये काला नहीं पड़ेगा। चले जी, अब बारी है पुलाव बिरयानी की। यखनी हमने तैयार करके रख ली है, अब हम इसमें से सारी चिकन की जो बोटियां हैं वो निकाल लेंगे। बोटी का साइज़ थोड़ा बड़ा लें क्योंकि यखनी बनकर और फिर चावलों में पककर बोटियां टूट जाती हैं, तो थोड़ा सा बड़ा साइज़ होना चाहिए। यहाँ मैंने देगची रख दी है चूल्हे पर और अब मैं इसमें डालूँगी 3 कप तकरीबन ऑयल। ये तकरीबन 4-5 प्याज हैं बड़ी स्लाइस में काटी हैं और अब इनको मैं ब्राउन कर लूँगी। प्याज का इस्तेमाल मैं ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि मैं सर्विंग के वक्त ब्राउन प्याज, तली हुई प्याज जो है सर्विंग के वक्त ऊपर डालूँगी और आधी प्याज से मसाला बनेगा। तो चूल्हा कर देते हैं तेज़ और इसको ब्राउन कर लेते हैं। जितनी भी चीज़ें हमने डाली थी उनको हम दबा दबा कर जो पल्प है वो निकाल देंगे ताकि यखनी में शामिल हो जाए। प्याज इतनी ब्राउन हो जाए तो उसमें से मैं आधी निकाल लूँगी और आधी को और ज़्यादा ब्राउन करूँगी। कितनी हमने ब्राउन कर ली है अब हम इसको निकाल लेंगे, ये हम सर्विंग के वक्त यूज करेंगे। अब हमने बाकी की जो प्याज पहले निकाली थी वो डाल दी है ऑयल में। अब इस प्याज में डालूंगी सबसे पहले अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि मेरे पास है 2 टेबल स्पून, को थोड़ी देर भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। ये 1 टमाटर है जो मैंने स्लाइस करके मैं डाल दिया है अदरक लहसुन के साथ ही, इसको मैं भून लूंगी। डाल रही हूँ इसमें तेज़पत्ता, ये 1 और ये 2। बाकी का गरम मसाला जो हम बिरयानी मिक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें है, लेकिन पुलाव में तेज़पत्ते की जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए एडिशनली मैंने इसमें डाला है। और जहाँ मेरे पास शान का पुलाव बिरयानी मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, ये पूरा पैकेट मैंने पुलाव बिरयानी का इसमें मिक्स कर दिया। थोड़ा सा पानी का छींटा लगा लें अगर आपका मसाला जो है वो खुश्क हो रहा है, जलने का ख़तरा है। तो अब मैं इसमें चिकन डाल दूँगी, इसको हम भूनेंगे। बहुत एहतियात से आपको चिकन को ऊपर नीचे करना है क्योंकि ये टूटने का ख़तरा है, ये गल चुकी है। तकरीबन 1.5 किलो ही मेरे पास चिकन है और 1.5 किलो ही चावल मैं इसमें यूज़ करूँगी। बराबर की क्वांटिटी में शामिल करना चाहिए, जितनी चिकन उतने चावल। मसाला चिकन में शामिल हो चुका है, अब इस स्टेज पर मैं डालूंगी दही। तकरीबन 1 कप के बराबर मेरे पास दही है, ये मैंने शामिल कर दी। तकरीबन 1 टीस्पून या आप ज़्यादा अगर डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, मैं 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें मैं डाल रही हूँ और बस चिकन गली हुई है इसलिए इसको ज़्यादा नहीं पकाना। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे कि पहले से भिगोए हुए हैं मैंने, तकरीबन 5 मिनट्स उसको हो गए हैं भीगे हुए। और कुछ लोग उबाल का शामिल करते हैं लेकिन मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ और इस वर्जन से बहुत मज़े की बनती है। यखनी हम शामिल कर देंगे इसमें। देगची बहुत खुले मुँह की और बड़ी होनी चाहिए ताकि चावल आपके घुटे नहीं। अब आपने चम्मच बहुत आराम से चलाना है क्योंकि चावल टूटने का ख़तरा होता है। साइड से ले जाकर बस इनको ऐसे मिक्स कर दें बस, ताकि यखनी और बाकी तमाम मसाले चावलों में एब्जॉर्ब हो जाएं। एक उबाल आएगा तो फिर उसके बाद हम इसको आँच को आहिस्ता कर देंगे। अंदाज़ा मैं आपको बता देती हूँ कि ये देखें 1 इंच डूबे होने चाहिए। कुछ हरी मिर्चों को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है और बाकी मैं स्लिट लगा के यूज़ करूँगी। और ये सर्दी का रंग है जिसको थोड़े से दूध के साथ मैंने मिक्स कर लिया है, इसको अब दम पर फैला लूँगी। नमी है, गल चुके हैं ये, चूल्हा में कर देती हूँ बंद। दरमियानी आँच पर हम इसको तवे पर दम लगाने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद। अब मैं इसको चेक करूंगी और इस पर ढक देती हूँ एक कपड़ा ताकि स्टीम बाहर ना जाए, या तो ढक्कन के अंदर से ही रैप कर लें या फिर ऊपर से दे दें, मर्जी है।